खुद साग खा रहा है। नाश्ते के बाद पीर पठान आपने फरमाया कि बेटे आपके जाने का टाइम हो गया है, मैंने दो चीजें आपको बताई थी। वो बंदा बड़ा जलाल में आ गया, उसने कहा मैं अल्लाह को नहीं जानता, मैं अल्लाह के मुकाम को नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, आप बात क्या कर रहे हैं। आपने फरमाया कि बेटे अगर आप अल्लाह के मुकाम को जानते तो अल्लाह के नाम पे बुसी दाल ना देते, अल्लाह के मुकाम को जानते तो बुसी रोटियां नहीं देते। बेटे आपने अल्लाह के मुकाम को जाना क्या, आपसे असल क्या जाना है, आपने तो अपने बराबर भी नहीं जाना, तो खुद आप क्या खा रहे हैं। हाय हाय, तो बाबा जी के मुकाम को हम एक सेकंड में नहीं समझ सकते हैं। ये अस्थी जो दीन की खातिर शैल खाए, हम भी उधर ही थे उस वक्त, किस तरह लोग, ये हाथ लगाने को बंदा तरसता, ये शक्ल देखने को के लिए बंदा तरसता था। तो देखें, किसी वजीर का प्रोटोकॉल नहीं, किसी मरीज का बशीर का प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन जिस दिन का इस घर का मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी होगी। तो बाबा जी कहां से उठे, मैं बचपन से खुदा की कसम इनके पास आता जाता था, हमेशा इनको खामोश देखा, लेकिन जब अल्लाह ने बुलाया तो फिर ऐसा बुलाया कि हर तरफ पता चल गया कोई नबी का गुलाम दुनिया में आया है। तो मेरे दोस्तों, अगर हम चाहते हैं, ये हमें कहते क्या हैं, हमें कहते क्या हैं, कहते क्या हैं, कहते सिर्फ ये हैं, अगर